हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, यानी कि वो कौन कौन सा नदी है जो किधर गिरेगा? अरब सागर। आपको याद होगा लास्ट के क्लास में हम आपको समझाए थे कुछ बात को, ध्यान दीजिएगा। ये किधर गिर रहा है? बंगाल की खाड़ी में। क्रम आपको याद रखना, पहला नंबर क्या नाम है? स्वर्ण रेखा। क्या नाम हो जाएगा? पहला नंबर नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। दूसरा ब्राह्मणी, तीसरा वैतरणी, उसके बाद महानदी, चौथा पांचवा गोदावरी, छठा कृष्णा, सातवा पेन्नार, आठवा पलार, नौवा कावेरी, दसवा वेगई, ग्यारहवा ताम्रपर्णी। वह कौन सा नदी है जो पाक की खाड़ी में जाके गिरती है? ताम्रपर्णी। तब मन्नार की खाड़ी में कौन गिरेगा? मन्नार की खाड़ी में कौन गिरेगा? कौन गिरेगा? नदी पढ़े हैं। मन्नार की खाड़ी में कौन गिरेगा? ताम्रपर्णी। पाक की खाड़ी में वेगई। मीनाक्षी मंदिर किसके किनारे? वेगई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में किस नदी को लेकर विवाद खूब ज्यादा है? किसको लेकर? आप बताइएगा जल्दी से। इंद्रावती को छोड़कर सब वती कहां है? कावेरी। बताइए वेगई नदी का उद्गम स्थल। ऐसे काम नहीं चलेगा नुमू साहब। बताइए वेगई नदी का उद्गम स्थल वर्षानाद पारी कहां है? तमिलनाडु में। ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं, नहीं तो फिर आपका आप ही को दिक्कत होगा। बताइए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ब्राह्मणी होगा। हुंडरू जलप्रपात है कहां? रांची में। अरे कहां है? रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो कहानी आपका लॉक हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाला नदी को देख लेते हैं, आज खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको हिसाब किसी दिन हो जाएगा अगला सप्ताह। अब रिवीजन हम कितना कराएंगे? याद करवा रहे, कंटेंट दे रहे, अब क्या करवाएं? अब कीजिए आप लोग, अब उतना कितना करवाएंगे एक ही चीज को रिवीजन? चलिए नदी को देखते हैं। सबसे पहले एक नदी यहां पे है, ठीक है, रिवीजन कीजिए आप खुद से जाके, आप लोग भी रिवीजन कीजिए बहुत, हम कितना करवा दे। लूनी। क्या नाम है? अब एक ही टॉपिक को लेके पढ़े रहेंगे तो कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे ना। लूनी नदी है ये। क्या नाम है? लूनी नदी। एक नदी को हम पढ़ेंगे, इसी के नीचे आपको बहती है, जिसका नाम आपको याद रखना है, साबरमती नदी। क्या नाम है? नाम सुने हैं? साबरमती, ठीक है। साबरमती के नीचे छोटा सा इस तरीके से नदी बहती है, इसका नाम है माही। क्या नाम है? माही। फिर एक और नदी है जो ठीक इस तरीके से बहती है, ठीक है, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम हो जाएगा? नाम सुने हैं? नर्मदा। इसके नीचे एक और नदी है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम क्या हो गया? वैसे ऊपर थोड़ा बनेगा, हम लिखने के लिए लिखाएगा नहीं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको नीचे लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में इधर नहीं गिरेगा, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा? तापी। क्या नाम हो गया? ताप्ती या तापी नदी, कोई दिक्कत? ये आपका गोवा का क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया? गोवा। गोवा में दो प्रसिद्ध नदी, एक मांडवी, क्या नाम बोले? एक मांडवी नदी, एक जुआरी नदी। एक मांडवी का नाम और एक क्या नाम है? जुआरी। एक गोवा में मांडवी, एक जुआरी नदी, एक मांडवी और एक
जुवारी, मांडवी और जुवारी, ये दोनों गोवा में है, दोनों कहाँ है? गोवा। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है, आएंगे नीचे तो केरल, कहाँ आएंगे? केरल। केरल में भी दो नदी, एक का नाम है भरतपुजा, एक का नाम क्या हो गया? भरतपुजा, और एक का नाम है पेरियार। एक का नाम भरतपुजा, एक का नाम पेरियार, एक पंबा भी है, पंबा इसी में जाके मिल जाती है इसलिए हम नहीं लिख रहे। चलिए इन नदियों को हम देखेंगे और हमारा नदी का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से नया टॉपिक पे चलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का बहुउद्देशीय परियोजना अगला सप्ताह हम कंप्लीट भी कर जाएंगे, ठीक है? चलिए एक एक करके, पहला नदी का नाम लूनी, अगला सप्ताह हमारा बहुउद्देशीय परियोजना चलेगा, आप लोग नदी को कंठ पे रख लीजिए, लूनी, लूनी नदी सबसे पहला पॉइंट, लूनी नदी के बारे में आएगा यही, क्या इसका उद्गम, किसका उद्गम? लूनी नदी का अगर उद्गम देखा जाए ना, वो नाग पहाड़ी, एक पहाड़ी है नाग पहाड़ी जो आरावली पर्वत का क्या है? हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आरावली पर्वत का हिस्सा है। कौन सा? नाग पहाड़ी। कौन सा? नाग पहाड़ी। और इसी नाग पहाड़ी में एक घाटी है जिसका नाम है पुष्कर घाटी। कौन सा घाटी? ये पुष्कर घाटी। ये पुष्कर घाटी है कहां पे? तो आपका आंसर होगा नाग, नाग पहाड़ी। और ये नाग पहाड़ी आपको याद रखना है कहां पे? तो आपका आंसर होगा अजमेर में। नाम सुने अजमेर में? ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? अजमेर में है ना? नहीं है, ब्रह्मा जी का शायद एकमात्र मंदिर भारत में अजमेर में ही है शायद, देख लीजिएगा। पुष्कर घाटी नाग पहाड़ी अजमेर। अजमेर कहाँ पर है आपका? राजस्थान। अरे कहाँ पे है? राजस्थान। और ये जो नाग पहाड़ी है आरावली का हिस्सा, किसका हिस्सा है? आरावली पर्वत का हिस्सा है। लूनी नदी का उद्गम तो ये हो गया। अगर बात करेंगे मुहाना के बारे में तो ध्यान से सुनिए, ये जो नदी है राजस्थान में बहती है और ये आके इस वाले भाग में, इसका नाम क्या? कच्छ का रन। हाँ या ना? है ना, कच्छ का रन, कच्छ का रन। और इस कच्छ का रन में जाके विलुप्त हो जाती है कौन सा नदी? विलुप्त हो जाती, दलदली इलाका, ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है। भारत का वह नदी का नाम बताइए जो समुद्र में अपना मुहाना नहीं बनाती है। भारत का वह नदी का नाम बताइए जो स्थल मार्ग से ही बहती है और स्थल मार्ग में ही खत्म हो जाती है। भारत का वह नदी का नाम बताइए जो कि जिसका मुहाना स्थल में ही है, लूनी। अरे कौन है? लूनी नदी का उद्गम स्थल आपका कौन सा घाटी से है? पुष्कर घाट। कौन सा पहाड़ी से? नाग पहाड़ी। कहां पड़ेगा? अजमेर। कहां बहती है? राजस्थान। ये थार मरुस्थल में भी बहती है। कौन सा मरुस्थल? ये कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। सुनिए, लिख देते पहले मुहाना के बारे में, कच्छ लिखना क्या, लिख तो दिए, क्या लिखे हैं? कच्छ का रन। और लिख देते हैं यह नदी यहां जाकर विलुप्त यानी कि इनलैंड हो जाती है। कौन सा नदी? लूनी नदी विलुप्त कहां पे हो जाती है? निकलती कौन सा पहाड़ी? घाटी का नाम कौन सा घाटी? कहां पड़ेगा? कहां पे जाके गिर जाएगी? कच्छकर। कच्छकर यानी गुजरात की महाराष्ट्र है। अब इतना कोई बकलोल प्रजाति नहीं ना बैठी, ज्योग्राफी का 3-4 महीना क्लास हो चुका है, आप बोलेगा ये महाराष्ट्र है। अगर आप भी लग रहा किसी को ये सब बात, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, मेरा सजेशन यही होगा, ठीक है? चलिए आगे, शुरुआत में ये नदी का जल मीठा होता, किस नदी का जल? और फिर रेगिस्तान में बहते हुए जैसे आगे जाती है ना, तो रेगिस्तान आपका क्या पूरा नमक है? अरे हाँ है ना, अरे है। तो ध्यान रखना है
ये नदी लगभग शुरुआत का 25 किलोमीटर या ज्यादा होगा उससे, बहुत मीठा जल होता है, लेकिन रेगिस्तान से बहने के कारण, रेगिस्तान से होकर बहने के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। खारा समझ में आ रहा है, यानी कि सैलिनिटी आ जाता है, लवण लवण आ जाता है। जैसे समुद्र का पानी पीते हैं जो कितना मस्त लगता है, नहीं लगता है? समुद्र का पानी नहीं पिए? अरे नहीं पिए, पीजिएगा कुछ दिन में जाके, ठीक है? तो कितना देखिएगा कैसा लगता है, मीठा मीठा लगता है समुद्र का पानी, नहीं खारा। तो ये पानी भी वैसा ही है। तो इसीलिए किस नदी को लवणीय नदी कहते हैं, तो इस नदी का अन्य नाम लवणीय नदी। कौन सा नदी? यानी स्लाइन रिवर। किसे कहा जाएगा? और यह मरुस्थल से होकर बहती है यह नदी, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल से होकर बहती है। कौन सी नदी? कौन सा नदी? और याद रखना है शुरुआत में इसका पानी मीठा होता है। अब लिख देते हैं, उद्गम स्थान से कुछ दूरी तक इसका जल, इस नदी का जल, इस नदी का जल कैसा होता है? मीठा पानी होता है, खारा होता है शुरुआत में। शुरुआत में सब आदमी अच्छा होता है, रहता है कि नहीं? शुरुआत में आपको ले कितना अच्छा है, दो तीन महीना का रिलेशनशिप में देखिए कितना खुशी मिलता है। वो तो तीन चार महीना बाद ना औकात पता चलता, अरे बाप रे बाप, जब राज खुलना चालू होता है तब ना पता चलता है, ठीक है? इस नदी का जल मीठा होता है और बाद में जाके कैसा हो जाएगा? खार। सांभर झील का नाम सुने हैं? सांभर झील इसी से होकर गुजरता है। सांभर झील, कौन सा झील? सांभर झील जो है वो किस नदी से होकर गुजरेगा? किस नदी से होकर? लूनी नदी से होकर। लूनी नदी का सहायक नदी को देखेंगे और इसका कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लूनी नदी के बारे में अगर बात किया जाएगा सहायक नदी को लेकर, तो इसका सहायक नदी का नाम क्या है देख लीजिए, सहायक नदी। और इसमें दायां बायां आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी नदी खुद में है लूनी। एक का नाम है जवाई, जमाई नहीं है, क्या नाम है? जवाई। क्या हो जाएगा? जवाई हो जाएगा। एक का नाम हो गया खारी, क्या नाम हो गया? खारी। खारी हो जाएगा, जवाई हो जाएगा, सागी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साली नहीं है, अरे बकलवा, सागी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सागी। एक का नाम है सुकरी, क्या नाम है? सुकरी। जोजरी, जोजरी हो गया, सुकरी हो जाएगा, खारी हो गया, जवाई हो गया, सागी होगा। एक का नाम मिठाई भी है, क्या नाम हो जाएगा? मिठाई। मिठाई नहीं बोले, मिठाई या मिठरी है, ठीक है? मिठाई या मिठरी है, जो आपको देखना देख लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा पूछता आपका क्या बोलता है? जो ये सुकरी पूछता है, जवाई पूछता है, खारी। तो खारी किसकी सहायक नदी है? लूनी। जवाई किसका है? जोजरी किसका है? कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन हो जाएगा? कौन सा नदी? लूनी नदी। आपको ध्यान रखना है कि ये विलुप्त हो जाती है। एक पॉइंट सुनिए, ये जल्दी बुक में आपको मिलता नहीं, ये पॉइंट आपको बता देते। पॉइंट क्या है? आपको लगता होगा विलुप्त होने वाला एकमात्र नदी लूनी ही है, नहीं। यहां पे दो तीन नदी और उल्लेख मिलता है। जैसे एक नदी है जिसका नाम है पश्चिमी बनास, एक बनास नदी है जो पूर्वी बनास है। पूर्वी बनास किस में जाके मिलती है? चंबल में, याद है? नहीं याद है? बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। नाम सुने हैं तो हमको देख रहे हैं क्या? ऐसे गुजरा गुजरा के देख रहे हैं कई लोग, देखिए लेकिन गुजरा के नहीं देखिए। तो पश्चिमी बनास भी जाके कहां पे गिरती है? तो आपका आंसर होगा कहां पे? कहां पे? कचकर। एक और नदी जिसका नाम है रूपेन, रूपेन, क्या नाम हो गया?
रूपेन और एक और नदी जिसका नाम है सरूमती। तो सरूमती, रूपेन, पश्चिमी बनास और लूनी जाके कहां पे गिरती है? कचकर। ऑप्शन में आ जाएगा वो कौन सा नदी कचकरन या विलुप्त नहीं होती है, तो एक दे देगा साबरमती। तो आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। बाद बाकी लूनी, पश्चिमी बनास, रूपेन और सरूमती, ये सभी नदी कचकरन में जाके विलीन हो जाती है। दलदली इलाका, ये कैसा इलाका है? दलदली। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से लूनी नदी का चैप्टर क्या हो जाता है कहानी मार्केट से? क्लोज हो जाता है लूनी नदी के बारे में। एक पॉइंट और लास्ट छूट गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन है? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन है? राजस्थान की सबसे लंबी व बड़ी नदी का नाम क्या हो गया? लूनी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो गया? लूनी नदी। क्या नाम हो गया? लूनी। तो लूनी का कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लूनी को हम लोग पढ़ लिए। अगला कौन है? साबरमती। चलिए साबरमती को देखते हैं। साबरमती आश्रम का नाम सुने हैं? साबरमती नदी। वहां पे कौन रहते थे? साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए साबरमती नदी का उद्गम, इसका उद्गम उदयपुर राजस्थान। इसका उद्गम कहां पे होगा? उदयपुर राजस्थान। और एक झील है जिसका नाम है ढेवर झील या राजसमुंद्र झील। ढेवर या राजसमुंद्र झील। और ये झील के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पड़ेगा कहां पे? उदयपुर। उदयपुर कहां पे? राजस्थान। मेवाड़ का इलाका में है उदयपुर। मेवाड़ हो गया। उदयपुर का ही पुराना नाम क्या है? मेवाड़। तो ढेवर राज समुद्र झील से निकलती है कौन सा नदी? अरे कौन सा नदी? साबरमती निकलती है। और आपको ध्यान रखना है इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना खंबात की खाड़ी। कहां पे है ये जो आप देख रहे हैं ना? ये आपका खंबात की खाड़ी है। ये आपका कौन सा खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। देखिए इस तरीके से ढेवर से निकलते हुए आ रही है और यहां पर जाके अपना मुहाना बनाती है। तो इसका मुहाना के बारे में आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। कहां पड़ेगा? गुजरात। कहां पड़ेगा? गुजरात में खंबात की खाड़ी। प्रमुख शहर के बारे में अगर बात किया जाएगा, प्रमुख शहर अहमदाबाद का नाम सुने हैं? किस नदी के किनारे है? गांधीनगर का नाम सुने हैं? किस नदी के किनारे? साबरमती का नाम सुने हैं? किस नदी के किनारे? क्यों ये इसलिए लिख दिए? अब जैसे इतना बकलोल हम थोड़ी है, इतना बकलोल हम थोड़ी है कि साबरमती आगे इतनों ने मार सकेंगे। कभी कभी एग्जाम में ना दे देगा साबरमती शहर किस नदी के किनारे, दे देगा ऑप्शन नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, कुछ भी दे देगा। तो आप थोड़ा सा एग्जाम में ना एडवांस दिमाग भी काम करता है, लगेगा इतना आसान थोड़ी पूछ सकता है क्वेश्चन। साबरमती किस नदी के किनारे? साबरमती थोड़ी होगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन जान के पूछा हमसे गलत करवाने के लिए। नर्मदा होगा इसका आंसर। क्या होगा? अब मार के आ जाएगा सीना चौड़ा करके एकदम घर में घुसेगा, पता चला उसका आंसर क्या था? साबर। इसलिए कभी कभी ना ज्यादा होशियारी काम नहीं करता, और एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट कहां गलती कर सकता है, तभी तो वहां पहुंचा है ना वो भी। तो याद रखिएगा अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती नदी, सॉरी साबरमती किस नदी के किनारे, कहां पे जाके इसका मुहाना है? खंबात की खाड़ी। मुहाना कहां पर है? मुहाना इसका खंबात की खाड़ी में। आगे बात किया जाएगा इसकी जो सहायक नदी का नाम है साबरमती का, जिसका नाम है भोगवा, प्रसिद्ध एक है इसका सहायक नदी भोगवा। याद आया कुछ? क्या याद आया? लोथल। अरे क्या नाम है? किस नदी के किनारे? भोगवा नहीं है। अब बोलिए सर लोथल क्या है? व्हाट इज लोथल?
अब लोथल क्या है न है हमको नहीं पता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाए थे ना लोथल, तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगो। इसकी एक और सहायक नदी जिसका नाम है वाकल, वो मैं आकर कॉल वाकल, बाकल नहीं है, ये होता आपका बाकल, ये क्या हो गया? बाकल। लेकिन हम बता रहे हैं आपको क्या? वाकल। वैसे आप लोग बाकल है, एक भोगवा और एक क्या नाम है? वाकल। किसकी सहायक नदी है? पूछता नहीं एग्जाम में सहायक नदी के बारे में, ध्यान रखिएगा। बस साबरमती के बारे में आपसे सबसे ज्यादा ये पूछेगा, शहर खंबात के मुहाना कहाँ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दो नदी हमारा कंप्लीट हो गया, एक का नाम क्या हो गया? लोनी। एक का नाम अगला कौन है? चलिए, माही मार भी रहा है, अभी चल भी रहा है फॉर्म में, क्या नाम है? माही। इसे बोल दे, क्वेश्चन कौन पूछता है, लिख देते हैं। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही नदी है। उद्गम, मुहाना, ये आपका माही नदी, ये आपका क्या हो गया? और ये कर्क रेखा, ये आपका क्या है? कर्क रेखा। तो लिख देते हैं, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? और माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से होता है। कहां से होता है? विंध्याचल पर्वत होता है। और परफेक्ट आपका एक झील है जिसका नाम है मेहद, मेहद झील, जो कि आपको ध्यान रखना है। धार जिला, धार जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश। और अगर बात किया जाएगा विंध्याचल पर्वत, यहां इसका मुहाना के बारे में बात करें, किसका? माही का। तो इसका भी मुहाना खंबात की खाड़ी में, कहां पे है? खंबात की, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहां है? अरे कहां पड़ेगा? यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में भी बहती है, और उसके बाद गुजरात में बहती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात में जाके कहां पे? खंबात की खाड़ी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी का उद्गम स्थल मेहद झील, या आपका आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वत। क्या हो जाएगा देखते हैं। और लूनी का कहानी कंप्लीट, साबरमती कहानी कंप्लीट, माही कंप्लीट, अब कहां चलेंगे? नर्मदा। कौन सा नदी है? नर्मदा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में अगर बात किया जाएगा, सबसे पहला पॉइंट यह हो जाएगा उद्गम, ओरिजिन। उद्गम के बारे में अगर बात किया जाए नर्मदा के बारे में, तो आपको याद रखना है कि अमरकंटक पढ़ाए हैं। अरे अमरकंटक बताए हैं, अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल का। अरे है, मैकाल पहाड़ी का भाग है, और मैकाल पहाड़ी सतपुरा का कि विंध्याचल का? सतपुरा का। सब गत गोबर ही एकदम है, क्या होगा हमको लिख दीजिए। हमको लगता नहीं, यहां किसी दिन हमको ये भी लिखना पड़ेगा, ये किसका भाग है? हिमालय का। क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा क्या है? मैकाल पहाड़ी किसका भाग है? हिमालय का। आप लोग उसमें भी बोले हाँ सर हिमालय का, हाँ सर हिमालय का, क्या करेंगे? किसका भाग होगा? अरे किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत का हिस्सा नहीं है, इसलिए ना बोल रहे थे कि नदी उदी से पहले जो है ना पढ़ लीजिएगा आप, ये पर्वत पठार वगैरह अच्छा रहेगा। तो अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का हिस्सा है, जो कि आपको ध्यान रखना विंध्याचल पर्वत में पड़ेगा। आपको याद होगा ये अमरकंटक था, हाँ या ना? इधर कौन सा नदी गया था? सोन नहीं गया था, और जाके किस में मिला? गंगा। कहां पे? पटना में। अन्य मिला। और इधर से एक नदी निकलते हुए आई थी जिसका नाम क्या है? अरे कौन है?
नर्मदा नहीं है, और यही जो आप देख पा रहे हैं यही था आपका विंध्याचल पर्वत, नहीं है, इसी का ना भाग था मैकाल पहाड़ी, और मैकाल पहाड़ी में ही है ना कौन सा अमरकंटक चोटी, और इसी के नीचे आपका सतपुरा है, ये क्या है सतपुरा, और इसका नाम क्या हो गया विंध्याचल, यही है ना, और इसी नदी का नाम है ना क्या ऊपर वाला नदी का नाम क्या है, सॉरी पहाड़, ये पीला वाला क्या नाम है, क्या नाम है, यही इसी का नाम हो गया नर्मदा, लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो गया, कोई दिक्कत, कान खुला है, दिमाग तो नहीं खुला हमको पता है लेकिन कान खुला है, चलिए सुनिए, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, कौन है, दक्षिण भारत का दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, कौन है, दक्षिण भारत का तीसरा सबसे लंबी नदी कौन है, समझ में आ गया, समझे, लिख देते हैं, दक्षिण भारत का, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, पढ़ने का मन है कि माइक ऑफ करके घर चले, हम बंद करके हम घर भी जा सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यहां पे कितना नंबर पे आएगा, दक्षिण भारत की यहां पे क्या लिखे, एकदम गलतियों पढ़ा देंगे ना आप लोग को, आप लोग पकड़ नहीं पाइएगा हमको, लिख रहे हैं कुछ भी हम जान के लिखे, सोचे सर बोलिएगा बोलिएगा नहीं कुछ हो नहीं, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तीसरा सबसे लंबा नदी नर्मदा, 1312 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, आपको याद रखना है कि नर्मदा का लंबाई कितना हो जाएगा 1312 किलोमीटर। एक पॉइंट और लिखते हैं, अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है, सबसे लंबी नदी, सबसे कौन होगा, समझ में आया दोनों लाइन, दक्षिण भारत में सौभाग्य, अरब सागर बात हो रहा, अरब सागर में, कहां पे, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, कौन होगा, नर्मदा होगा, समझ में आ गया, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सब, प्रायद्वीप भारत नहीं लिखे, वही चल रहा है टॉपिक इसलिए नहीं लिखे, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, उसमें अगर सिंधु ऑप्शन रहेगा तो क्या होगा, सिंधु, सिंधु कहां गिरता है, अरब, नर्मदा भी कहां पे, गंगा, गोदावरी, बंगाल की, कंफर्म ना, देखिए मेरा याददाश्त कमजोर है, पढ़ाने के बाद एकदम मेरा भूल जाते, बहुत बड़ा मेरे में क्या बोलता आदत है, अब फिर से हमको नया बैच आएगा ना तो नदी को फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, समझ में आ रहा है ना, मेरा याददाश्त कमजोर है बहुत, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, फिर इतिहास पढ़ाएंगे ना, कल भी इतिहास अगर पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य तो फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग पढ़िए, हम जितना पढ़ा रहे हैं बस अब भूल गए, ये पॉइंट बताते हैं ना भूल जाते हैं, ठीक है, चलिए नर्मदा के बारे में अगला पॉइंट, नर्मदा आपको पहले भी बताया हुआ है, भरंस घाटी, घाटी में बहने वाली नदी कौन है, नर्मदा, यह नदी भरंस घाटी से, कौन सा घाटी, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर, होकर पूरब से पश्चिम दिशा, कैसे, पूरब से
पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए, ठीक है, पूरब से कैसे बताएं, पश्चिम दिशा में बहते हुए ऐश्वरी का निर्माण, ऐश्वरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी, कहां पे खंबात की खाड़ी, बोले तो अरब सागर में ही है, हाँ या ना, अरब सागर, और खंबात की खाड़ी बेसिकली है कहां पे, गुजरात में गिरती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, अरे समझ में आया, यह नदी विंध्याचल पर्वत के मैकाल पहाड़ी में स्थित अमरकंटक, क्या बोले, अमरकंटक चोटी, जो मध्य प्रदेश के, आपको याद रखना है, अनूपपुर जिला में पड़ेगा, जिला ने पूछेगा, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में निकलता है, और निकलते हुए ऐसे पूरब से पश्चिम बहते हुए दो पर्वत के बीच, एक पर्वत ऊपर वाला कौन है, विंध्याचल, नीचे क्या है, विंध्याचल और सतपुरा के बीचों बीच रिप्ट घाट, रिप्ट वैली है, बलंस घाटी में बहते हुए मध्य प्रदेश में जाती है, फिर मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र के बाद आपका गुजरात में जाती है, और उसके बाद अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। ये नदी कैसे कैसे बहता है, मध्य प्रदेश में जाता है और थोड़ा सा महाराष्ट्र में जाके गुजरात, ये महाराष्ट्र, उसके बाद कहां पे, गुजरात में जाके आपका मुहाना बनता है, ये आपका प्रवाह है, ये आपका क्या हो गया, प्रवाह, नदी का प्रवाह। अगर बेसिन पूछा जाए ना, बेसिन, तो इसमें बस आप राजस्थान को ऐड कर लीजिएगा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्लस प्लस राजस्थान, कोई दिक्कत। भलंस घाटी में बहने वाली नदी कौन है, ये क्या चीज का निर्माण करती है, अरे क्या चीज का, ऐश्वरी का निर्माण करती है, कौन सा नदी, कौन सा नदी, नर्मदा नदी। दिखेगा, दिखने का मन है तुमको, देखते हैं, दिख जाए तो ठीक बात है। देखिए ये सब जो दिख रहा है ना, यही आपका ऐश्वर्य, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। पत्थर टाइप का स्टोन तोड़ के जानते वहां पे जमा करता, पत्थर समझ में आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं साधारण तरीका से, अगर देखना चाहिएगा दिख जा, नहीं दिख पा रहा है, छुरी हटाइए, आपको लगेगा कादो मिट्टी लगेगा, ठीक है। देखिए ऐश्वरी कुछ नहीं होता, होता क्या, नदी जब चलती है ना दो माउंटेन के बीच में, ये माउंटेन एक, एक माउंटेन ये, ठीक है, तो इसी से स्टोन को तोड़ के ये नदी आगे ले जाती है। और आपको ध्यान रखना है ना, मुहाना पे छोटा छोटा स्टोन को जाके तैयार करके वहां पे बना देती है मुहाना, समझ में आ गया। डेल्टा क्या होता है, वो मिट्टी का अवसाद है, वो क्या है, महीन कण है, उससे जो मोटा कण होता है ना वही ऐश्वरी है, बस इतना दिमाग रखिए। और तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक बात बोलते हैं, नर्मदा नदी क्या बनाती है, याद कर दीजिए, नर्मदा नदी क्या बनाती है, समझ में आ गया। और खंबात की खाड़ी में कहां पे बनाती है, खंबात की खाड़ी,
कहां पे? क्योंकि अरब सागर ऑप्शन में नहीं रहता, क्या रहेगा? खंबात की खाड़ी। क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। यह बात आपको ध्यान रखना। आगे सुनिए, आगे नर्मदा नदी के बारे में अगर बात किया जाएगा, इसके सहायक नदी के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। यह आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा नदी हो गया? हेलो, चलिए, ये नदी के बारे में अगर बात किया जाए, नर्मदा नदी के बारे में, तो किस तरीके से बहती है? तो आपको पता है ये अमरकंटक हो गया। ये कौन सा स्थान है? अमरकंटक। और यहीं पे ऐश्वरी का निर्माण होता है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर में। अरे हाँ या ना, तो ये नदी में कौन कौन सा नदी प्रमुख आके मिलती है? तो इसमें चाय बनाने का बहुत सारा सामग्री का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चाय बनाने में क्या क्या आपको पड़ेगा जरूरत? शक्कर का, अरे किसका? शक्कर, तवा, इलायची भी पड़ेगा, लेकिन इलायची यहाँ पे नया है, उतना भी चाय छोड़ी आई चाहिए, सुनिए। हाँ, तो नर्मदा नदी में अगर बात किया जाएगा, तो ऊपर से आपका सबसे पहला नदी आता है जिसका नाम है और सांग। क्या नाम हो गया? और सांग या और सीन। और सांग बता रहे हैं, और सीन या और सांग हो जाएगा, ठीक है। अगला एक नदी आती है जिससे जिसका नाम है वरना। क्या नाम हो जाएगा? वरना एक नदी आके मिलती है। फिर आगे चलेगा, एक और नाम है जो कि कोलार की खान से आती है, और नदी का नाम ही है कोलार। क्या नाम हो जाएगा? कोलार। ये कोलार नदी हो जाएगा, कोलार। एक का नाम हो जाएगा चंद्रकेशर। क्या नाम हो जाएगा? चंद्रकेशर हो जाएगा। और एक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है नर्मदा की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया नदी में क्वेश्चन है आपका, हथनी। क्या नाम हो जाएगा? हथनी। क्या नाम है? हथनी। तो हथनी किसकी सहायक हो गया? हथनी नर्मदा का हो जाएगा। फिर एक कोलार किसका हो जाएगा? नर्मदा का। और सीन किसका हो गया? नर्मदा का। चलिए अब क्या बोले, कोलार की खान कर्नाटक में है। सही बात, सही बात बोले आप। कोलार का खान तो नीचे है, तो ऊपर से कहाँ? शायद ऊपर से नहीं, नीचे से ही होगा तब, ये ऊपर से नहीं होगा, लेकिन इसका बेसिन तो कर्नाटक में नहीं है, तो कोलार तो दूसरी नदी होगा, ठीक है। ये कोलार तब क्या हो जाएगा? दूसरा नदी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कि याद दिला दिए, ठीक है। चलिए, कोलार हो गया, और सीन वरना, कोलार, चंद्रकेसर और हथनी। अब देखिए इसमें जो अब नदी मिलाने जा रहे हैं, एक का नाम है दूधी। क्या नाम हो गया? दूधी। यानी दूध आपको बनाना है तवा में, दूध आपको कहां बनाना है? तवा में। और इसमें डालना है क्या? शक्कर। अरे क्या डालना है? शक्कर। और ये सब नदी कहां पर है? नर्मदा की सहायक। कहां पर हो जाएगा? नर्मदा की सहायक हो जाएगा। अगला सुनिएगा, दो नदी और लिख देते हैं आपके सामने। एक का नाम है शेर। क्या नाम हो जाएगा? शेर। और एक का नाम है बंजर। एक का नाम हो गया शेर, एक का नाम हो जाएगा बंजर। एक का नाम शेर और एक का नाम बंज। इस तरीके से नर्मदा नदी का कहानी आपका होता है कंप्लीट। नर्मदा नदी कौन से दो पर्वत के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और ये किस खाड़ी में जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी। क्या ऐश्वरी बनाती है कि डेल्टा? ऐश्वरी। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाला सबसे लंबी नदी नर्मदा। हाँ सॉरी, अरब सागर में प्रायद्वीप भारत में, मेरा कहने का तात्पर्य वही था, प्रायद्वीप ही चल रहा है। तो प्रायद्वीप भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अब परफेक्ट पूछा जाए, अमरकंटक। अमरकंटक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। निकलती है फिर जाती है महाराष्ट्र, उसके बाद कहां जाती है? अरे कहां पे? गुजरात जाती है। कौन सा नदी है? कौन सा नदी? और इस नदी पे आपको एक फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार। क्या नाम हो गया? धुआंधार जलप्रपात।
जो कि आपको ध्यान रखना है। जबलपुर का नाम सुने हैं? जबलपुर में भेड़ा घाट, जबलपुर में कौन सा? भेड़ा घाट में आपको पड़ेगा धुआंधार जलप्रपात। आएगा ये भी तुम, धुआंधार वाटरफॉल्स आ गया। देखिए धुआंधार इसलिए क्योंकि ये जब ऊपर से ऊंचाई पे गिरता है ना तो पूरा धुआं धुआं पानी का फुब्बारा बना देता है। कौन सा? अरे कौन? धुआंधार। ये देख सकते हैं किस नदी पर है, नदी का नाम क्या है? बहुत खूबसूरत आपको लगेगा देखने में, यही आपका धुआंधार वाटरफॉल्स हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है जबलपुर के भेड़ा घाट में। जबलपुर के भेड़ा घाट में यही आपका कौन सा हो गया? नर्मदा में है, जिसका नाम कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। कौन हो जाएगा? वैसे वाटरफॉल्स पढ़ाएंगे आपको, जलप्रपात पढ़ाएंगे, झील पढ़ाएंगे, अलग से ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। झील, बहुउद्देशीय परियोजना और एक वाटरफॉल्स, ये तीन टॉपिक आपको अलग से, नदी का ही टॉपिक हो जाता है लेकिन हम आपको अलग से इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट हो जाता है। चलिए नर्मदा नदी का कहानी क्या होता है, खत्म होता है। और नर्मदा नदी के बारे में अगला अगर पॉइंट अगर देखा जाए, एक दो पॉइंट, जबलपुर तो बता ही दिए, जबलपुर आपका किसके किनारे स्थित है? अरे किस नदी के किनारे? ये क्वेश्चन पूछता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा। तो नर्मदा का कहानी चैप्टर आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो गया। चलिए नर्मदा कंप्लीट हो गया, बताएंगे बांध का टॉपिक क्या बता रहे कि मंडे से क्या पढ़ाने वाले हम, वही ना पढ़ाएंगे। चलिए नर्मदा कहानी क्या हो गया? कंप्लीट। अगला कौन हो गया? ताप्ती। ताप्ती देखेंगे, ये सब कुछ बड़ा बात है ना, इसको हम बता देंगे। सुनिए नदी का नाम क्या है? ताप्ती। ताप्ती, ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर। अगर बात किया जाए ताप्ती नदी के बारे में तो इसका उद्गम स्थल है कहां? सबसे पहला पॉइंट, इसका उद्गम, किसका उद्गम? ताप्ती का। और यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में है, और है कहां से? सतपुरा से निकलती है। कहां से निकलेगी? सतपुरा से निकलती है और एक स्थान है मुलताई। क्या नाम है? मुलताई, मुलताई स्थान है जो बैतूल जिला में पड़ेगा। कौन सा जिला में? बैतूल जिला है कहां पे? मध्य प्रदेश में। और यहीं से निकलती है कौन सा नदी? ताप्ती। और ये किसका हिस्सा हो जाएगा? सतपुरा का। अरे किसका हो गया? सतपुरा से निकलती है और ये नदी जाके अरब सागर में गिरती है। कौन सा नदी? ताप्ती नदी। कहां पे गिरेगा? अरब सागर। और अरब सागर का ठीक वहां पर सूरत का नाम सुने हैं? सूरत, सूरत जो शहर है ना, सूरत जो बंदरगाह है, वो किसके मुहाना पर है? ताप्ती। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मुहाना के बारे में आपको याद रखना है। मुहाना या एमपी में बहेगा, सुनिएगा, कहां बहेगा? एमपी में। ये एमपी में बहेगा, एमपी से निकलेगा, थोड़ा सा महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र के बाद ये जाता है कहां पे? गुजरात। और गुजरात में भी आपको ध्यान रखना सूरत। क्या नाम हो गया? सूरत, जो खंबात की खाड़ी के एकदम पास है। खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा। अरे किसका हिस्सा? और ये सूरत आपका किस राज्य में है? अरे किस राज्य में? तो इस तरीके से ताप्ती के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। ये नदी जो है ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, एक दो, इसका जो नाम है ना, इसका नाम है सतपुरा। नहीं, इसका नाम क्या हो गया? क्योंकि ऊपर कौन है? नर्मदा। इसके ऊपर क्या है? विंध्याचल। अरे सब पढ़ाए हैं, ईमानदारी से पढ़ाए हैं, इसलिए यहां स्पीड में चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा मास्टरबा अच्छा पढ़ाने नहीं लगा आजकल, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बांध में जाएंगे तो आपको जानते क्या करेंगे, ऐसे नदी बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे नदी, अब बांध बता के निकल जाएंगे। फिर बोलेगा मास्टरबा अच्छा नहीं पढ़ाने लगा आजकल, लगता है मन उकता गया। ऐसा बात नहीं है, आप बताइए, फिर बताएं। इस सतपुरा है बाबू, सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन होता है। एक सतपुरा क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन होता है, इसका निर्माण ऐसे होता है। फिर बताएं, अरे बताएं ना, जहां समय देना था दे दिए, यहां हमको समय हमको नहीं देना इसमें।
फालतू कब सतपुरा को बताने बैठेंगे। अब बताइए इस पहाड़ी का नाम अजंता है, क्या नाम है? अब बताइए अजंता पहाड़ी को पूछे सर अजंता ने बताएं, आप ने बताए हैं महाराष्ट्र में, कहां पर है अजंता पहाड़ी? महाराष्ट्र में। इसी के बीच में कौन सा नदी बहती है, कौन सा नदी? अभ्रंश घाटी बताए हैं। अभ्रंश घाटी में बहेगा तो ऐश्वरी बनेगा, तो ताप्ती ऐश्वरी का निर्माण करेगा, यस या नो? अरे करेगा ना, इसलिए बता रहे, मेरा दिमाग खराब नहीं कीजिएगा, बोलिएगा नहीं कि मास्टरवा आप जो है ना बहुत कम पढ़ाने लगे, स्पीड में चलने, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब टॉपिक को जहां समय देने का था दे दिए, अब कोई टॉपिक जो होगा ना समय नहीं देंगे, कुछ समय बोला टॉपिक ही नहीं बचा आपके पास, क्यों? जहां समय देने लायक था, मिट्टी पढ़ाने में 3 दिन लगाएंगे, 2 से 3 दिन, क्योंकि आपको माउंटेन पढ़ा चुके, और जो हिमालय पढ़ा अच्छे से उसको मिट्टी समझने में आसान हो जाएगा, समझे? अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना मंडे से चालू है, अब जिसको नदी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा ना उसको अगला सप्ताह बहुत आसान लगेगा, और जो नदी पढ़वे ने किया है अब हम उस दिन बहुउद्देशीय पढ़ाएंगे। बवा लोग रिहंद नदी पर बांध है, रिहंद बांध। अब बोले रिहंद बांध है किसका सहायक, तब हम बताएंगे, उतना थोड़ी है, समझ में आ गया ना? फिर हम वहां लिखेंगे, सीधा सीधा लिखते चलेंगे कि किशन गंगा पे किशन गंगा प्रोजेक्ट है। अब किशन गंगा किस में जाके मिलता है, झेलम में। कहां किशन गंगा बहता है, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे हम उतना ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, सीधा हम किशन गंगा लिखेंगे, किशन गंगा प्रोजेक्ट। बाद बाकी आप समझिए किस कौन सा जगह पे, वैसे बोल देंगे मुंह से, नहीं बोलेंगे तब तो 4 गाली दे दीजिएगा हमको वहीं पे खड़ा होके। तो ताप्ती नदी आपको याद रखना सतपुरा से निकलेगा, और बोलता कैसे, यस सर, ठीक है। और सूरत कौन सा शहर, सूरत। सूरत किस नदी के मुहाने पर है, ताप्ती। सूरत किसके मुहाने पर, ताप्ती के किनारे आपका कौन सा है, सूरत। तो इस तरीके से ताप्ती के बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं होता है, बाद बाकी जो फैक्ट बचा हुआ है ताप्ती के बारे में वो आपका है प्रोजेक्ट पर, कहां पर है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में आएंगे तो वहां बताएंगे। चलिए अगला, अगला कौन सा नदी बच गया, अरे कौन सा है, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार के बारे में कहानी सुनिए, ज्यादा कुछ खास बात है नहीं, बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन यही आता है, बोल देते हैं, मांडवी नदी गोवा का कौन सा नदी, मांडवी नदी के बारे में बात करेंगे। तो गोवा का दूसरा सबसे लंबी नदी कौन है, मांडवी। गोवा का दूसरा सबसे लंबी नदी, गोवा का दूसरा सबसे लंबी नदी, ठीक है। और सीधा सीधा यह भी आता है, मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, गोवा। जुआरी नदी किस राज्य में बहती है, गोवा। और गोवा की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, जुआर, कौन हो जाएगा। गोवा का राजधानी क्या है, पंजी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडवी। पंजी जो शहर है, पंजी जो राजधानी है, वो किस नदी के किनारे है, मांडवी। पंजी किसके किनारे है, मांडवी के किनारे है। और गोवा राज्य का जीवन रेखा, गोवा राज्य का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, मांडवी। जीवन रेखा, गोवा का जीवन रेखा, क्योंकि बहुत ज्यादा गोवा में जो पानी जो पहुंचता है ना, जनता को जो लाभ मिलता है वो किस नदी से, मांडवी। और ये गिर कहां पे रही है, अरब सागर में। अरे कहां पे, यहां पे हेडिंग है, क्या लिखा हुआ, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप नदी। तो मांडवी कहां गिरेगा। अब आप लोग एको दिमाग लगाइए, यहां पे कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से निकलती कौन सा नदी, मांडवी। ये कहां से, पश्चिमी घाट। ये कहां से, पश्चिमी घाट। ये कहां से, समझ में आया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। गोवा की सबसे लंबी नदी, मांडवी। गोवा की दूसरी सबसे, गोवा की सबसे लंबी, जुआरी। गोवा की दूसरी सबसे लंबी क्या हो जाएगा, एक शहर है जिसका नाम है वास्को डिगामा, नाम सुने हैं। अरे नाम नहीं सुने हैं तो इंसान का नाम सुने हैं ना, शहर भी उसी के नाम पे, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा शहर किस नदी के किनारे है, जुआरी। क्या हो जाएगा,
वास्को डिगामा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? पंजी शहर किस नदी के किनारे है? मांडवी। किस नदी के किनारे? बच गया भरतपुजा और पेरियार। भरतपुजा के बारे में आपको उद्गम याद रखना, पश्चिमी घाट, मुहाना, अरब सागर। पेरियार का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, मुहाना। अरे कहां पे? क्योंकि उद्गम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ये छोटा मोटा नदी, ज्यादा से ज्यादा 100-200 किलोमीटर का नदी है, उतना तो हमारे बिहार में नाला है, उतना किलोमीटर का हमारा बिहार में क्या है? नाला। और बात करेंगे भरत पूजा के बारे में, तो आपको याद रखना है बेसिकली आपका अन्ना मलाई से निकलता पश्चिमी घाट में और अरब सागर में गिर जाता है, इसके बारे में कुछ नहीं है। केरल का सबसे बड़ा नदी कौन है? भरत पूजा। कौन हो जाएगा? भरत पूजा के बारे में आपको याद रखना है कि केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? अरे कौन हो गया? भरत पूजा। और पेरियार के बारे में आपको याद रखना कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन केरल राज्य का जीवन रेखा कौन है? पेरियार। केरल राज्य का जीवन रेखा और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ का? केरल का। अरे कहाँ का? केरल का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन हो जाएगा? पेरियार। कौन हो जाएगा? पेरियार। चलिए नदी का कहानी हो गया है, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मंडे को हम लोग इतिहास का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अशोक का अभिलेख। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा ज्योग्राफी का, ये सॉरी, कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पे बांध से क्वेश्चन ना आता हो, पता है ना? ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां नदी और बांध से दो तीन क्वेश्चन ना हो, इसलिए तैयार रहिएगा अगला वीक भी। लेकिन हाँ, कल बंद है, सुनिए ईमानदारी से हम बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए न कीजिए वो आपका मैटर, लेकिन नदी को पढ़ लीजिएगा, बढ़िया होगा। क्योंकि मंडे से लेकर अगला 5 दिन तक नदी का बहुत उपयोग है और हम आप लोग से पूछेंगे, अन्य बताइएगा 20 रुपया फाइन मारेंगे। और लेके आइएगा 3 क्वेश्चन, नए नए पैसा भगा देंगे क्लास से, लेके आइए भगा देंगे, ऑनलाइन दीजिए, ठीक है बात, स्कैनर चिपका देंगे, 20 रुपया फाइन मारेंगे, सुन लीजिए। अब 20 रुपया ले लेके 3 क्वेश्चन पूछेंगे नदी से, धराएं 20 रुपया फाइन, अब दोबारा गए आपके पास फिर 3 क्वेश्चन पूछेंगे, अन्य बताएं 50 रुपया फाइन, समझे? तैयार है? नए दीजिएगा तो वहां फी में कटेगा, फी में लगा जोड़ाएगा, ठीक है? क्या बोले? 10 दिन तो कल क्या कीजिएगा? ठीक है, चलिए मिलते हैं परसों क्लास में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।